देखो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कंसंट्रेशन टर्म, जो कि पूरे कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग कवर कर चुके हैं। बस कुछ कुछ पॉइंट था जिसको हम लोग को जानना जरूरी है। जैसे कि अभी तक हम लोग कभी बात नहीं किए हैं किसके बारे में, यूनिट के बारे में। क्या यूनिट के बारे में बात किए? नहीं किए। उसके बाद एक और कंसेप्ट होता है यूनिट में ही, एक हम लोग को सवाल पूछ देता है जैसे कि मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, या फिर मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, या फिर नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसको सबसे पहले जब हम लोग समझते हैं, क्योंकि यहाँ से भी सवाल कभी कभी पूछ देता है तो हम लोग को घबराहट ना हो। जैसे कि हम लोग सबसे पहली बात करते हैं इसका यूनिट का। किसका बात करते हैं? यूनिट का। तो यूनिट क्या क्या होगा? अच्छा, मोलैलिटी का, या फिर मोलैरिटी का, या फिर हम लोग नॉर्मैलिटी का। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का हम लोग यूनिट निकालने जाते हैं तो कैसे निकालते हैं? तो सर उसका जो भी फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिखिए, वहाँ पर जो भी मान के चलो हम लोग लिखने जा रहे हैं ए बराबर ऊपर बी और बटा में सी। अगर हम लोग ए का यूनिट चाहिए तो उसके लिए हम लोग बी को जानना पड़ेगा, और किसको जानना पड़ेगा? सी को। इसका जो यूनिट होगा, इसका जो यूनिट होगा वही हम लोग का किसका यूनिट होगा? ए का। तो उसी प्रकार से मोलैलिटी है, तो हम लोग जानते हैं कि मोलैलिटी बराबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे होता है हम लोग को वेट ऑफ किसका? सॉल्वेंट का। अब यहां पे मोल है तो मोल का यूनिट क्या होता है? मोल ही होता है। नीचे वेट जो सॉल्वेंट को लेते हैं वो किस में लेते हैं? केजी में लेते हैं। इसका मतलब यहां पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा? केजी। तो इसलिए इसका यूनिट को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? मोल पर केजी। एक नंबर में डायरेक्टली कभी कभी पूछ देता है कि जो मोलैलिटी का यूनिट होगा वो क्या होगा, फंसा देगा यहाँ पे मोल पर ग्राम, या फिर कुछ भी बोल देगा जैसे मोल पर लीटर वगैरह ये सब। तो हम लोग को याद रखना है कि मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी। उसी प्रकार से जब हम लोग मोलैलिटी की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का यूनिट? इसमें हम लोग जानते हैं कि सर ऊपर भी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे हम लोग को क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। और ये जो वॉल्यूम लेते हैं वो किस में लेते हैं? लीटर में। तो ऊपर मोल का यूनिट क्या होता है? मोल ही लिखते हैं, और नीचे वॉल्यूम को किस में ले रहे हैं? लीटर में। तो यहाँ पे हो जाएगा लीटर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोल पर लीटर। उसी प्रकार से नॉर्मैलिटी का क्या होता है? तो नॉर्मैलिटी बराबर जाते हैं तो ऊपर सर हम लोग को होता है ग्राम इक्विवेलेंट। क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका? सॉल्यूट का। और नीचे हम लोग को क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो इसका यूनिट क्या होता है? जैसे ग्राम इक्विवेलेंट है तो वही चीज़ उसका भी यूनिट हो जाता है। तो ऊपर हम लोग लिखेंगे क्या चीज़? तो ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा? लीटर में। तो ऐसा लिखो, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर है? तो ये तो था इसका हम लोग को यूनिट का बात, कि क्या होता है यूनिट मोलैलिटी का, मोलैरिटी का और नॉर्मैलिटी का। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है हम लोग को मोलल सॉल्यूशन, या फिर क्या होता है मोलल। जैसे कि कभी अगर सवाल पूछ दे कि मोलल सॉल्यूशन क्या होगा, या फिर यहाँ पे हम लोग को बोल देगा कि मोलर सॉल्यूशन क्या होगा, और इधर पूछेगा क्या चीज? नॉर्मल सॉल्यूशन। तो ये सब आखिर क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। तो देखो कभी भी अगर हम लोग को सवाल पूछे जैसे मोलैलिटी, मोलैलिटी ना बोल करके सिर्फ क्या बोला है? मोलल। इसमें जितना भी था आई टी आई, मतलब आई टी वाई, इसमें भी आई टी वाई, इसमें भी आई टी वाई, वो सभी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। सिर्फ अगर पूछेगा कि मोलल सॉल्यूशन क्या है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि वैसा सॉल्यूशन जिसका मोलैलिटी कितना हो? एक हो। उसी तरह से मोलर सॉल्यूशन अगर बोलेगा तो इसका मोलैलिटी कितना होगा? एक होगा। उसी तरह से नॉर्मैलिटी कितना होगा? एक होगा। तो वैसा सॉल्यूशन जिसका मोलैलिटी कितना हो? एक हो, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? The solution in which molality is कितना होता हो? वन होता हो। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी सेम लिख सकते हो कि द सॉल्यूशन इन विच मोलैरिटी इज कितना? वन। और इसमें कितना हो जाएगा हम लोग को? वन हो जाएगा। बात को समझ रहे हो कैसे लिखना है इसको? तो ये सारा कुछ लिख लेना, या फिर इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा सॉल्यूशन, या फिर इसको बोल सकते हैं द नंबर कितना, अगर हम लोग पूरा मोलैलिटी जैसे अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है कितना में? तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। तो वैसे ही सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। बात को समझ रहे हो? अगर हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि मोलैलिटी 1 हो रहा है तो 1 कैसे होता होगा? तो सर हम लोग यही ना बोल सकते हैं कि जब मोलैलिटी बराबर जाएंगे तो ऊपर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिठाते थे, और नीचे हम लोग क्या बिठाते थे? वेट ऑफ सॉल्वेंट बिठाते थे। तो अगर यदि वैसा सॉल्यूशन जिसमें हम जो नंबर ऑफ मोल्स होगा सॉल्यूट वो भी कितना हो? 1 हो, और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी कितना हो? 1 हो, तभी हम लोग को क्या होगा? 1 होगा। बात को समझ रहे हो? तो
हम लोग ऐसे इसको दोनों तरीका से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें मोलालिटी कितना हो वन, या तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूट होगा वो कितना होगा वन होगा, और सॉल्वेंट का वेट कितना होगा वन होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, अरे बात समझ में आ रहा है। तो क्या जैसे यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं वैसा ही हूबहू यहाँ पर लिख लोगे, चलो इसको लिख लो। और एक चीज़ और यहाँ पे जान ही लो, जैसे कि वहाँ पे खैर क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय तो बता ही दिए थे कि जैसे कभी भी मोलालिटी से उसका वैल्यू रहता है तो उसका यूनिट तो हम लोग जान गए, जैसे मोलालिटी है मोलैरिटी है और उसी तरह से क्या हम लोग को नॉर्मैलिटी का, तो कभी कभी हम लोग को वैल्यू डायरेक्टली ऐसे दे देगा कि अगर मान के चलो 0.1 है, अब यहाँ पे कुछ मतलब कि हम लोग को यूनिट टाइप से दे देगा, अगर यहाँ पे लिख दिया है मोल पर केजी तो मोल पर केजी किसका यूनिट होता है मोलालिटी का, तो हम लोग समझ जाते हैं। और नहीं तो डायरेक्टली कभी कभी स्मॉल लेटर एम भी लिखा रहेगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे स्मॉल लेटर एम है ये दिखाता है किसको मोलालिटी को ही दिखाता है, उसी प्रकार से 0.1 कैपिटल एम लिखा रहे तो किसको दिखाएगा मोलैरिटी, अगर यहाँ पे मान के चलो 0.1 और कैपिटल एन लिखा है तो किसका वैल्यू दिया हुआ है नॉर्मैलिटी, बात को समझ रहे हो। तो इस तरह से हम लोग को कभी कभी क्वेश्चंस में भी दिख जाएगा, इतना लिख लो। अरे उसको लिख लोगे कि घबराओगे अरे समझ में आ रहा है, जैसे मान के चलो मोलर सॉल्यूशन है फिर गड़बड़ मत कर देना, एक बार फिर से समझ ही लो। एक तो समझ में आ गया कि मोलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, वैसा सॉल्यूशन जिसमें मोलालिटी कितना हो वन हो, या फिर जैसे मोलालिटी को हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं उसी प्रकार से इसको भी एक्सप्लेन कर दोगे, तो इसको डायरेक्टली लिख देना क्या चीज़ कि द नंबर ऑफ, या फिर हाँ बोल दो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर के जी ऑफ सॉल्वेंट लिखते थे, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ वन मोल ऑफ किसका सॉल्यूट का, वन मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन कितना में, वन केजी ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज क्या चीज बोलेंगे इसको, मोलल सॉल्यूशन। तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना, क्या लिख लोगे खुद से, तो कभी कभी वैसे भी अगर लिखनोगे तो कोता क्या चीज, हाँ तो नॉर्मल भी वही लिखेंगे कि वन मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वन लीटर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब समझ रहे हो। और अगर उसमें नॉर्मल में लिखोगे तो नॉर्मल में क्या लिखोगे, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्व मतलब कि सॉल्यूशन इज नोन एज क्या चीज, नॉर्मल सॉल्यूशन, बात को समझ रहे हो। कभी कभी पूछ देता है, शायद जैक बोर्ड में एक बार शायद पूछा था कि क्या, देखोगे प्रीवियस ईयर तो वहाँ पे दिख जाएगा, तो वहाँ पे कभी कभी नॉर्मल सॉल्यूशन ये सब कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए देते हैं, तो घबराहट नहीं होना चाहिए, एक लाइन में लिखोगे तो वही बोल दोगे कि नॉर्मैलिटी वैसा सॉल्यूशन जिसका नॉर्मैलिटी कितना हो एक हो, या फिर लिखना है तो इस प्रकार से लिखोगे, कोई दिक्कत। इसको भी लिखना है मतलब कि फोटो ले लो, लिखने के लिए हो जाएगा। बाकी हम लोग जो टॉपिक बात करने जा रहे हैं वो है हम लोग को टेम्परेचर डिपेंडेंट, या फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिख सकते हैं, चलो टेम्परेचर डिपेंडेंट ही लिख देते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन टर्म, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा टेम्परेचर का कहानी और कंसंट्रेशन का कहानी, ठीक है। कभी भी अगर यदि हम लोग को टेम्परेचर का बात करें कि टेम्परेचर किस किस बात पे हम लोग को डिपेंड करेगा, तो थोड़ा सा हालांकि हम पहले बताए कि नहीं बताए पता नहीं, लेकिन फिर से एक बार समझ लो कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का, किसका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम का। कहने का मतलब अगर किसी भी वॉल्यूम रहेगा कोई भी जैसे लिक्विड वगैरह ये सब रहेगा, तो अगर उसमें हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या होते जाएगा बढ़ते चले जाएगा। अब इसका लॉजिक को पहले समझते हैं कि आखिर इसमें क्या होगा, जैसे मान के चलो बर्फ ही ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं बर्फ को, कि मान के चलो आइस है तो आइस को लोगे तो मान के चलो इतना सा उसका सॉलिड का पोर्शन लिया, ठीक है जमा हुआ है। अगर इसको हम लोग टेम्परेचर देना स्टार्ट करेंगे तो अभी इसका वॉल्यूम को यहां पे अगर मेजर करोगे तो कुछ तो रहेगा, मान के चलो इसका मेजर किया हम लोग आया एक्स, कितना आया एक्स। अगर यहां पे हम लोग हीट देंगे तो ये धीरे धीरे इसका बॉन्ड टूटने लगेगा,
तो टूटने लगेगा तो वो क्या होने लगेगा, आपस में दूर जाने लगेगा, और दूर जाने लगेगा उस समय इसको देखोगे तो ये क्या होने लगेगा, फैलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस समय इसका जब एरिया देखोगे, वॉल्यूम देखोगे, तो एक्स से हम लोग को क्या मिलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। बात को समझ रहे हो? तो यहाँ से भी हम लोग समझते हैं, और ये लॉजिक बस यही इसीलिए होता है क्योंकि जितना भी टेम्परेचर दोगे, जैसे मान के चलो हम लोग बात करते हैं सॉलिड का और बात करते हैं लिक्विड का और बात करते हैं किसका, गैस का। तो गैस में हम लोग देखते हैं तो मोलिक्यूल्स वगैरह जो रहता है उसमें एटम्स वगैरह, अगर एक यहाँ है तो एक यहाँ रहेगा, एक यहां रहेगा, और मान को चलते हैं हम लोग इस प्रकार से। उसी प्रकार से जब अगर हम लोग लिक्विड की बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग को कहां रहेगा, वो पास पास टाइप से रहेगा, लेकिन वही जब हम लोग सॉलिड की बात करते हैं तो उन लोग कहां रहता है, बहुत ही ज्यादा करीब रहता है, ऐसा रहता है। तो होता है क्या है कि जैसे हम लोग यहां पर टेम्परेचर देते हैं तो इन लोग के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, टूटने लगता है। तो टूटने लगता है तो उन लोग आपस में क्या होने लगता है, दूर होने लगता है। तो अभी इतना समय था तो जैसे इतना फैलने लगेगा क्या उसका एरिया वगैरह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उसका वॉल्यूम भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अब सर यहां पे ये तो कहानी ठीक है, लेकिन इससे हो क्या रहा है, हम लोग को पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कहां पे, कंसंट्रेशन टर्म, कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हम लोग को कंसंट्रेशन टर्म में क्या होगा, या फिर टेम्परेचर को घटाएंगे तो हम लोग को क्या होगा, किसमें, कंसंट्रेशन टर्म में। तो अब हम लोग को समझना है कि जो टेम्परेचर होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेशन किसके बीच में रखता है, वॉल्यूम के बीच में। और यहां पर हम लोग ये भी रिलेशन देखें कि टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हम लोग को क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो अब तुम लोग ही बताओ कि अगर हम लोग कंसंट्रेशन टर्म की बात करें, किसका बात करें, कंसंट्रेशन टर्म का, तो वहां पे हम लोग 9 को कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात किए थे कि नहीं किए थे। अब हम लोग एक एक करके अगर सारे कंसंट्रेशन टर्म को यहां पे लिख दे, उसके बाद अगर आप लोग से पूछा जाए कि बताओ कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो किसमें किसमें वो इफेक्ट डालेगा, जैसे कि पहला था हम लोग को क्या चाहिए, W/W परसेंटेज, ठीक है। सेकेंड में हम लोग बात किए थे W/V परसेंटेज, उसी प्रकार से थर्ड में बात करते थे तो हम लोग को था V/V परसेंटेज, फोर्थ में था हम लोग को क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन, क्या था, मोल फ्रैक्शन। उसके बाद फिफ्थ में देखे थे PPM, फिर छठा में देखे थे PPB, सेवन में क्या देखे थे, तो मोलालिटी। उसके बाद एट में क्या देखे थे, मोलारिटी। नाइन्थ में क्या देखे थे, नॉर्मालिटी। तो बस तो हम लोग को इतना ही सारा क्या था, हम लोग को पढ़ना था। अगर अब यहाँ से सवाल अगर पूछा जाए कि जैसे हमारे पास तो 9 कंसंट्रेशन टर्म है, यही तो था, अब बताओ कि कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है जिस पे हम लोग टेम्परेचर डिपेंड करेगा या फिर उस पे कुछ इफेक्ट करेगा, सर दूसरा, मोलारिटी। तो अभी सबसे पहले देखो इसको जवाब कैसे देना है, देखो ये क्वेश्चन हम लोग को बनता है, ठीक है, कि इनमें से कौन है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या फिर टेम्परेचर इनडिपेंडेंट है, यही दो का सवाल बनता है, एक वो पूछता है टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक पूछता है टेम्परेचर इनडिपेंडेंट, या फिर वही जैसा बोल देगा कि इनमें से कौन है जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है, बात को समझ रहे हो? तो ऑप्शन पे बनता है, बहुत बार हम लोग को क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जैसे कि अब एक ही चीज जानना है कि सर अभी अभी हम लोग रिलेशन देखे कि टेम्परेचर और किसके बीच में, वॉल्यूम के बीच में, कि टेम्परेचर है सो वॉल्यूम का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी हम लोग को क्या होगा, बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये भी हम लोग को क्या होगा, घटेगा। तो कुल मिलाकर के यही जान गए सर कि अगर हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में अगर हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट देखने जा रहे हैं तो कुल मिलाकर के हम लोग वही देखेंगे कि जिसके पास वॉल्यूम होगा वही तो उस पे डिपेंड करेगा, बात को समझ रहे हो? अगर हम बोलते कि अगर टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है उसका मास का, वेट का, या फिर नंबर ऑफ मोल्स का, तो उसको देखते, लेकिन क्या वो सारा कुछ हम बात किए क्या, नहीं, टेम्परेचर का सिर्फ और सिर्फ किसके बात किए, हम लोग वॉल्यूम का। इसका मतलब जो भी 9 कंसंट्रेशन टर्म है अगर उसमें नंबर ऑफ मोल्स है कोई मतलब नहीं, उसका वेट है कोई मतलब नहीं, बात को समझ रहे हो? अगर उसके पास वॉल्यूम है तब हम लोग को मतलब है, क्यों, क्योंकि जैसे वॉल्यूम रहता है तो वो डिपेंड करता किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। तो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है, अब क्या हम लोग जानते हैं किसके पास वॉल्यूम अवेलेबल होता है, अगर हम लोग W/W परसेंटेज का बात करते हैं तो बताओ इसमें क्या वॉल्यूम मौजूद रहता है क्या, नहीं रहता है। तो अगर इसके पास वॉल्यूम नहीं है तो क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा क्या, नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते चले जाएंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इनडिपेंडेंट का कहानी। एक तो हम लोग समझ गए कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, वॉल्यूम का, ये तो कहानी याद रखोगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे कि किसके किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, जैसे कि W/W में हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा टेम्परेचर इनडिपेंडेंट होगा, क्या बोलोगे, तो ये रहेगा टेम्परेचर इनडिपेंडेंट।
अरे बात को समझ रहे हो, उसी प्रकार से बताओ तो ये W by V क्या हम लोग को ये डिपेंडेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सॉल्यूशन का क्या रहता है, वॉल्यूम रहता है, और जहां वॉल्यूम का टर्म्स आ गया भैया वो तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ये हम लोग को टेम्परेचर क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा। क्या रहेगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। अरे बात को समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से बोलो तो ये हम लोग को डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। मतलब सर ये भी टेम्परेचर क्या रहेगा, डिपेंडेंट। बताओ ये मोल फ्रैक्शन नहीं करेगा, क्योंकि सर मोल फ्रैक्शन में सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स की बात होता है, यहाँ पे कहीं भी वॉल्यूम का टर्म नहीं आता था, इसलिए ये हम लोग को टेम्परेचर क्या रहेगा, इनडिपेंडेंट रहेगा। एक नंबर का सवाल यहाँ से पूछता है, ठीक है? अब बताओ पीपीएम क्या होगा, क्या डिपेंडेंट होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी सर ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट होता था और नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन होता था। मतलब ये भी हम लोग को क्या रहेगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मतलब पीपीबी, ये भी हम लोग को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलालिटी, क्योंकि सर मोलालिटी में होता था ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे होता था वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर भी सिर्फ वेट और मोल का बात हो रहा है सर, यहाँ पे वॉल्यूम का बात नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी टेम्परेचर क्या होगा, इंडिपेंडेंट। अब बताओ मोलारिटी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आता है, इसलिए सर ये जो होगा वो टेम्परेचर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। अरे बात को समझ में आ रहा है कि डिपेंडेंट का मतलब क्या हो रहा है या फिर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो रहा है सर? उसी प्रकार से बताओ नॉर्मैलिटी क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मैलिटी में भी होता है सर ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम आ गया, जहां पर भी वॉल्यूम आए, चाहे वो सॉल्यूशन का हो, चाहे सॉल्वेंट का हो, चाहे वो सॉल्यूट का हो, कहीं भी वॉल्यूम का टर्म्स दिखा तो उसके ऊपर वो क्या करेगा, अपना इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। चलो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जैसे करना है। क्वेश्चन क्या बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट। बहुत बार ये वर्ड लिख करके ना फंसा देता है। लो रक्त आ गया, जबकि इसमें आज हमें इंक डाले भी नहीं है। तो ये वर्ड को ना थोड़ा सा जब भी क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो पहले ध्यान से देख लेना, कहीं वहाँ पे नोट तो मेंशन नहीं ना, क्योंकि जल्दबाजी में हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट तो बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या डाला हुआ है, नोट। तो कौन इनमें से है कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोग को टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है? तो मोल फ्रैक्शन में हम लोग को सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स की बात होता था, तो ये हम लोग को टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता है। बाकी मोलारिटी भी डिपेंड करता था, और कौन करता है, नॉर्मैलिटी भी, और वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है। बात समझ में आया? तो ये होता रहता है इसका क्या चीज, आंसर। चलो लिख लो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर का। चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं जो मेन हम लोग का टॉपिक था इस चैप्टर का, जो क्या था, वेपर प्रेशर नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग सिलेबस की जब बात कर रहे थे, वहां पे जब लिखवाए थे, तो वहां पे सबसे पहले पॉइंट देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग देखे थे क्या चीज, कंसंट्रेशन टर्म, जो कि क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर का भी पूछ सकता है, कहां से, कंसंट्रेशन टर्म से। उसके बाद 3 नंबर का भी पूछ सकता है कंसंट्रेशन टर्म से, और 1 नंबर का तो पूछता ही पूछता है। पहले क्या होता था, 5 नंबर का सवाल पूछ देता था, जहां से मोलारिटी, नॉर्मैलिटी, मोलालिटी, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता था। जाकर के देखोगे क्वेश्चन बैंक में, तो 2020 तक, कहां का बात कर रहे हैं, 2020 तक, 2020 से पहले जितना भी देखोगे प्रीवियस ईयर, सभी में दिख जाएगा सॉल्यूशन चैप्टर का मोलालिटी से सवाल, मतलब कि कंसंट्रेशन टर्म से सवाल। अगर कंसंट्रेशन टर्म का नहीं दिया है तो वहां पर साफ साफ दिखेगा क्या चीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यही दोगो से हम लोग को 5 नंबर का सवाल बना करता था। उसके बाद यहां पर 3 नंबर का है, तो 3 नंबर से हम लोग को क्या पूछता था, जैसे उसका डिफिनेशन वगैरह पूछ दिया या फिर डिफरेंस वगैरह पूछ दिया। उसके बाद एक नंबर में छोटा मोटा क्वेश्चन दे देता, कभी हम लोग को मोलालिटी निकालने के लिए दे दिया, मोलारिटी निकालने के लिए दे दिया, या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट इस सबसे सवाल पूछ दिया। बात समझ रहे हो? तो अभी जैसे कि बात कर लिए 3 मार्क्स का, हो सकता है कभी पूछ दे या फिर हो सकता है नहीं भी पूछे, जैसे कि पहले हम लोग को पूछ चुका था तो थोड़ा सा लिखवा ही देते हैं। जैसे अगर हम लोग को पूछ दे डिफरेंस बिटवीन, क्या चीज पूछ दे, डिफरेंस बिटवीन, अगर हम तीनों को एक ही साथ करवा देते ताकि बार बार हम लोग को यहाँ पे टेंशन ना रहे, अगर बोल देगा किसके किसके बीच में, मोलालिटी दो चीज के बीच में देता है, या फिर मोलालिटी मोलारिटी, या फिर मोलारिटी नॉर्मैलिटी, या फिर नॉर्मैलिटी और किसके बीच में, मोलालिटी के बीच में, तो यहाँ पे तीनों चीज लिखवा देते हैं। जैसे मोलालिटी हो गया, फिर हम लोग को हो गया क्या चीज, मोलारिटी। उसके बाद हम लोग को किसके बीच में देता है, नॉर्मालिटी के बीच में,
याद हो गया तो इसको लिखा ही देते, हालांकि ये चीज खुद तुम लोग लिख लेते, एक बार आइडिया दे देते हैं, क्योंकि कभी अगर मान के चलो 3 मार्क्स में पूछ ही दिया, हालांकि अभी क्या चल रहा है, जब से कोविड का टाइम आया है, कोविड टाइम के बाद जब भी हम लोग को सॉल्यूशन चैप्टर से सवाल पूछता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स का सवाल पूछता है, मतलब जितना भी ये टॉपिक का क्वेश्चन है वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में जाता है, लेकिन हो सकता है अगर सब्जेक्टिव में पूछ दे तो, क्योंकि अवर से थोड़ा सा सूचना दिया गया था कि जैसे पहले क्वेश्चन होता था जिसमें से 7 से 8 ही हम लोग को MCQ हुआ करता था, उसी प्रकार से फिर फॉर्मेट में हम लोग को एग्जाम लिया जाएगा, अगर उस फॉर्मेट से चलेगा तो ऑब्जेक्टिव में घुसेगा क्या, नहीं तो फिर तो सब्जेक्टिव में घुस ही जाएगा, और सब्जेक्टिव में घुसेगा तो उसका भी तो तैयारी करके रखना है ना, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव के अनुसार हम लोग तैयारी नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव तो कर ही रहे लेकिन साथ ही साथ किसका सब्जेक्टिव का भी, क्योंकि कब क्या नोटिस आ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो अगर मान के चलो डिफरेंस लिखने के लिए बोले मोलैलिटी मोलैरिटी और किसका नॉर्मैलिटी, तो हम पहले ही बताएं कि जब भी डिफरेंस लिखोगे ना तो इस प्रकार से चार्ट बना करके लिखो, इस प्रकार से होता क्या है कि कम भी लिखोगे ना पॉइंट में, जैसे बहुत लोगों को होता है क्या कि इंग्लिश में प्रॉब्लम रहता है, तो इंग्लिश में जैसे कि पूरा लैंग्वेज जैसे लिखने जाओगे तो बहुत जगह हो सकता है सेंटेंस गलत है कि सही है, इसमें हम लोग को डॉट रहता है, लेकिन इस प्रकार से पॉइंट लिखोगे ना तो जो मेन पॉइंट है सिर्फ अगर इस प्रकार से करके लिख दोगे ना हाईलाइट करके, तो उसमें कोई मतलब नहीं है कि तुम उसको लंबा लिखो कि छोटा लिखो, बस खाली वो पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए, वैसा ही हम लोग को पूरा फुल में फुल क्या हो जाता है मार्क्स मिल जाता है, लेकिन लैंग्वेज में जाओगे तो खुद फंसोगे उसमें, क्योंकि तुमको पूरा एक्सप्लेन करते हुए जाना पड़ेगा, तो इसलिए जब हम लोग डिफरेंस लिखते हैं तो इसी प्रकार से लिखते हैं, जैसे मान के चलो यहां पे मोलैलिटी है तो क्या लिखेंगे मोलैलिटी, इधर हम लोग को क्या पूछा है मोलैरिटी, तो यहां पे लिख देते हैं मोलैरिटी, उसी बाद यहां पे क्या है नॉर्मैलिटी, जैसे देखना अभी कितना शॉर्टकट में लिखेंगे सो, जैसे कि हम लोग अभी डिफरेंस लिखने जा रहे थे तो सबसे पहला जो डिफरेंस लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इन लोग का डेफिनेशन, क्या लिख देंगे डेफिनेशन, क्या तीनों का डेफिनेशन सेम होता है क्या, नहीं सबका अलग अलग होता है, तो यहाँ पे सिर्फ हम हाईलाइट कर रहे हैं कि अपने से लिख लोगे सारा कुछ, जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे उसका डेफिनेशन, क्या वहां पर भी लिख लोगे तीनों में, अरे लिखा जाएगा, इसका क्या होता है नंबर, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये कितना रहता है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और ये कितना रहता है द अमाउंट किसका द ग्राम क्या बोलते हैं द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन कितना में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मैलिटी, तो ये सारा कुछ पहले भी लिखा गया, पहला पॉइंट लिख लेना, उसके बाद सेकेंड पॉइंट में जाएंगे तो क्या इसका यूनिट होता है, होता है कि नहीं होता है, तो इसका भी यूनिट लिखेंगे तो यहाँ पर भी यूनिट हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा यूनिट, दो पॉइंट खत्म। तीसरा जो पॉइंट हम लोग लिखने जाएंगे तो लिख सकते हो कि इसको डिनोट किससे किया जाता है या फिर रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, तो ये भी एक पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसको डिनोटेड किससे करते हैं, इसको स्मॉल एम से इसको कैपिटल एम और इससे किसको कैपिटल एन, तीन को पॉइंट बन गया। फिर अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो क्या तीनों का फॉर्मूला होता है, अब फॉर्मूला के लिए चाहो तो तुम एक लाइन में भी लिख सकते हो, चाहो तो उसको ड्राइव करके भी आगे बता सकते हो 2 से 3 लाइन में, एक लिखोगे उसका मोल वाला फिर मोल को भी तोड़ दो, अरे बात को समझ रहे हो, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा फॉर्मूला। अब लास्ट जो पॉइंट होगा फिफ्थ पॉइंट में, ये हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला, क्या लिखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला, तो क्या टेम्परेचर का कहानी लिख लोगे, इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है इसमें क्या, ये इनडिपेंडेंट ये डिपेंडेंट और ये भी क्या होता है डिपेंडेंट, क्या हो गया पॉइंट, इतना ही लिखेंगे हम लोग को, पहले देखोगे 2019 या फिर 20 में भी शायद पूछा है, उधर देखोगे ना तो 3 मार्क्स में ये सारा कुछ घुस जाता था, या फिर इसके इसके बीच में या फिर इसके इसके बीच में या फिर इसके इसके बीच में, तो हम लोग को डिफरेंस लिखने के लिए आता था। एक बार इसको भी फोटो क्लिक कर लो, अब चलेंगे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। देखो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या देखने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ चुका है, कभी कभी 3 मार्क्स में भी पूछ देता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां पे बोल देता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आखिर है क्या, तो हम लोग समझते हैं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पे लिखा क्या है एक प्रॉपर्टी, तो ये भी हम लोग का क्या होता है सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी होता है, सॉल्यूशन का क्या होता है प्रॉपर्टी, जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, किसके ऊपर डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। भर भर के यहां से सिर्फ इसका डेफिनेशन से ही सवाल पूछता है, कभी कभी इसको डिफाइन करने के लिए पूछ देता है, और नहीं तो इसका ऑब्जेक्टिव फंसा देता है, ऑब्जेक्टिव में फंसाता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसी प्रकार से फंसा देगा, 4-5 को ऑप्शन दे देगा, तो हम लोग को सिर्फ याद रखना है क्या चाहिए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ, क्या चाहिए याद रखना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ किसका
सॉल्यूट का, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर, ना ही हम लोग को सॉल्वेंट के ऊपर और ना ही हम लोग उसका सॉल्यूशन के ऊपर, वॉल्यूम वगैरह किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन The property of solution which is depend on only का मतलब सिर्फ इसी के ऊपर, इसके अलावा किसी के ऊपर नहीं होगा, only number of सॉल्यूट पार्टिकल, इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर से याद रखना कि ये हम लोग को क्या होता है, सॉल्यूशन का एक हम लोग को क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, जो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बहुत ही ज्यादा हम लोग को इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके रख लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो सिर्फ इसी के बेसिस पे पूछेगा, बात को समझ रहे हो। एक तो खैर ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा देंगे, जाकर के देख लेना, 2024 में नहीं तो 2023 में भी पूछ चुका है, जाकर के देखोगे, इससे एकदम भर भर के सवाल हम लोग को पूछता है ऑब्जेक्टिव में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो समझ गए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक सॉल्यूशन का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। अब देखते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आखिर होता कितना टाइप का, तो यहां पे हम लोग को पढ़ना है चार टाइप का, कितना पढ़ना है, चार टाइप का। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप का है, तो चार टाइप का। चार टाइप कौन कौन है, तो सबसे पहला हम लोग को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड है हम लोग का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है हम लोग का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो वाला डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ है, जो लास्ट है, वो है हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो यहां से भी सवाल पूछता है, तो हम लोग का काम देखो, एक बोर्ड अभी लिखे, यहीं से हम लोग को दो मार्क्स बन के रेडी हो गया। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखो कि कैसे पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन डिफाइन करने के लिए बोल देगा कि व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बात को समझ रहे हो। अगर एक मार्क्स में पूछा है तब की बात कर रहे, कैसे लिखना है, सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देंगे, बात समझ में आ गया। लेकिन अब हम लोग अपना इज्जत को बचाते हुए ये कि हम लोग आ गए अब 12th क्लास में, किस में आ गए, 12th क्लास में, तो थोड़ा सा जब जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए बोला है, तो हम लोग ये भी जानते हैं कितने टाइप का होता है, तो क्या इतना सा लिखने में ज़्यादा तकलीफ होगा क्या, तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मान के चलो इतना ही, सिर्फ हम लोग बोलेगा डिफाइन करने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, सिर्फ एक मार्क्स में पूछा तो यहाँ तक लिखेंगे, तब भी हम लोग को मार्क्स कटने वाला नहीं है। लेकिन अगर नहीं कटेगा, और अगर जान रहे हो कि ये भी हम लोग लिखना अच्छा जरूरी था, तो इसको भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, टीचर और इंप्रेस हो जाएगा, बात को समझ रहे हो। तो कोशिश करना, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कभी भी डिफाइन करने के लिए बोले तो यहां तक लिखने की प्रयास करना। अब रहा बात कि अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तीन मार्क्स में पूछ दिया था,
अगर हम लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पे तीन मार्क्स में पूछेगा तो सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद टाइप्स ऑफ यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसके बाद ये चारों का अलग अलग फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला को भी हम लोग को क्या करना है लिखना है। तो अभी तो फॉर्मूला जानते नहीं हो, धीरे धीरे हम लोग जानेंगे तो फिर उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो इससे हम लोग को तीन तरह का क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले तो एक मार्क्स में अगर पूछेगा तो सिर्फ इसको डिफाइन करने के लिए, अगर तीन मार्क्स में पूछेगा तो हम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा, और पूरा लिखने के बाद इसका क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला भी डालना पड़ेगा। उसके बाद इन लोग का ऑब्जेक्टिव देखो कैसे पूछता है, सो ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये वाला याद रखना, बाकी इसके अलावा तीन को और फंसा देगा कुछ भी दे करके। उसके बाद दूसरा सवाल यहां से बनता है कि कौन इनमें से है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर पूछेगा इनमें से कौन है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ध्यान से सुनना, अगर जब तक हम लोग को क्वेश्चन में नहीं लिखा है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तब तक वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। अगर अगर हम लोग को सवाल पूछ दिया लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हम लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, तो क्या बोलोगे, हाँ कि नहीं? नहीं, जब तक हम लोग को पूरा वर्ड नहीं दिखेगा, अब यहाँ पे ऑफ की जगह में इन भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब पूरा वर्ड होना चाहिए कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर सिर्फ बोलेगा वेपर प्रेशर क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, नहीं। क्या लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, नहीं। कौन होगा, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसी तरह से अगर हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट बोलेगा तो क्या हम लोग को होगा, क्या नहीं? हम लोग को जब तक नहीं बोलेगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तब तक हम लोग नहीं बोलेंगे कि वो हम लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये जो चारों पॉइंट है, चारों नाम को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। बात को समझ रहे हो? तो यहां से फिर हम लोग को सवाल पूछता है, समझ में आ गया कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, एक बार फोटो क्लिक कर लो। चलो अब हम लोग आते हैं कहानी में, जैसे हम लोग SST वगैरह पढ़ते हैं तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, कहानी सुनते हैं, उसी प्रकार से अब हम लोग देखने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी हम लोग को कहानी के थ्रू बढ़ना है आगे, ठीक है? उसके बाद जब इस टॉपिक को कवर करेंगे फिर एक क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे तुम लोग के ऊपर, बोलेंगे कि इसका जवाब क्या होगा, रात भर जाना और घर में सोच के आना, फिर कल हम लोग यहाँ पे इसका जवाब जानेंगे। जैसे सबसे पहले बात, हम लोग जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जान गए, उसका टाइप्स के बारे में भी जाने, तो हम लोग को एक ही मकसद है कि सर अब एक एक करके उन लोग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हम लोग को क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रहा बात कि सर अगर हम लोग को पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, तो यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले हमें यही तो जानना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर आखिर होता क्या है। अगर हम लोग वेपर प्रेशर जान जाएंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या कहता है। अगर हम लोग लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझ जाएंगे तब उसको रिलेट करेंगे रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तब हम लोग जानेंगे कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। बात को समझ रहे हो? तो हम लोग एक एक करके जानेंगे, सबसे पहले कदम किसमें रखेंगे, वेपर प्रेशर। जैसे सेकंड में ही हम लोग को क्या था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, पहले क्या जानेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तब फिर वहां पे जानेंगे कि किस तरह से उसमें बढ़ोतरी होता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसी प्रकार से सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, वेपर प्रेशर। आओ दिखाते हैं कि वेपर प्रेशर आखिर होता क्या। अच्छा अभी देखोगे गर्मी का दिन भी चल रहा है, अगर मान के चलो मैं गिलास लिए, क्या चलिए, गिलास लिए, इसमें अगर हम लोग पानी रख देते हैं तो क्या, अगर हम इसको दो दिन तीन दिन या फिर एक सप्ताह के लिए छोड़ देंगे तो मान के चलो इसमें मार्क लगा देंगे, जैसे पानी हम लोग रखेंगे और वहाँ पे मार्क लगा देंगे हमारा पानी का लेवल इतना है। अगर इसको हम लोग दो दिन के लिए भी छोड़ देंगे तो क्या लगता है, पानी हम लोग को उतना ही लेवल तक रहेगा कि वो घट जाएगा? क्यों घटेगा? क्योंकि सर धीरे 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 धीरे, क्योंकि वातावरण में जो हम लोग को टेम्परेचर वगैरह है उसको एब्जॉर्ब करेगा और वो धीरे धीरे वो क्या होते रहेगा, वेपर हम लोग का कन्वर्ट वो होते रहेगा। अगर इसको हम लोग ढक देंगे तो ढक देने के बाद हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा बचले रहेगा, मतलब कि उतना ज्यादा हम लोग को उड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर ढक देंगे, क्योंकि देखो जैसे यहां से ऊपर जाएगा तो इसको ढके हुए रहेंगे तो ऊपर जाएगा, फिर ये हम लोग को क्या होगा उसमें करके कंडेंस होना स्टार्ट होगा, जाएगा वहां पे, अभी यहां से उड़ के तो जाएगा गैस के तौर पर, लेकिन यहां पे ढका हुआ है तो फिर जाएगा वहां पे ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद फिर पानी बन के कहां चल जाएगा, नीचे। ये प्रक्रिया चलते रहेगा। बात को समझ रहे हो? तो उसी प्रकार से, लेकिन अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, खुला में,
जानना चाह रहे हैं वेपर प्रेशर आखिर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो जानते हैं कि जैसे नॉर्मल पानी भी हम लोग रख देते हैं, जैसे अभी भी रखोगे तो हम लोग को दिखाई नहीं देगा, लेकिन अभी भी जैसे पानी को खुला रखोगे अभी भी धीरे धीरे वो किस में बदल रहा है, वाष्प में वो बदल ही रहा है। तो हम लोग वेपर के बारे में तो समझ गए सर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या चीज़ वेपर प्रेशर का, आखिर ये वेपर प्रेशर होता क्या है। तो अब इस कंटेनर को हम लोग बंद करने वाले हैं, इस कंटेनर को हम लोग क्या करने वाले हैं, बंद, ठीक है सर, बंद कर दिया। अब यहाँ पे समझना है कि जैसे ये लिक्विड है, लिक्विड है तो होगा तभी तो हम लोग को वेपर में बदलेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को लिक्विड का मॉलिक्यूल है, चाहे जो भी होगा, पानी होगा चाहे जो होगा, हम लोग अभी अच्छा सा एग्जांपल किसको ले रहे हैं, पानी को ही, किसको ले रहे हैं, पानी को। अब देखो हम लोग को होता क्या है, अरे पानी सस्ता नहीं, पानी हम लोग को हर जगह अवेलेबल हो जाता है। अब तुम राजस्थान में जा करके बोलोगे पानी सस्ता है, बताइए कोई बात होगा, अरे चलो इधर देखो। अब होता क्या है, जैसे वाटर का, अगर वाटर डाले तो वाटर का कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल भी होता होगा। अब देखो इन लोग होता क्या है, जब हम लोग यहाँ पे पानी डाले हुए हैं तो क्या इन लोग एक दूसरे से क्या पूरा फ्रीडम रहता है क्या, नहीं रहता है। ये तो जान रहे हैं कि सर इन लोग एक दूसरे से क्या किया हुआ है, कनेक्ट है, एक बॉन्ड के थ्रू ये लोग क्या है, जुड़ा हुआ है, यही तो जानते हैं। अब इन लोग होता क्या है कि सर जब हम लोग हीट वगैरह देते हैं तो यही बॉन्ड आपस में क्या होता है, टूटता है। तो टूटता है तो इन लोग फिर फ्रीडम हो जाता है, क्योंकि रैंडम मौसम करने लगता है और लास्ट में इन लोग के पास कोई चारा नहीं होता, एक दूसरे से इंटरेक्शन खत्म हो जाता है, इसलिए लोग कहाँ चल जाता है, ऊपर, क्लियर आता है। तो हम लोग को होता क्या है, जैसे मान के चलो यहाँ पे मोमबत्ती वगैरह जला दो, चाहे कोई भी हीट का सोर्स यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग हीट यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे तो हम लोग को क्या होगा, इन लोग का बॉन्ड हम लोग को डिसोसिएट होते रहेगा और इन लोग कहाँ जाएगा, ऊपर जाते रहेगा, कहाँ जाएगा, ऊपर। और ऊपर जाएगा तो जैसे कि यहाँ पे जितना मॉलिक्यूल है उतना ऊपर हम लोग को जाने लगेगा, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि वेपर वगैरह के बारे में, जैसे हम लोग को वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर भी है, नीचे भी है, नीचे भी है, जैसे हम लोग को लेयर रहता है तो ऊपर का कुछ अलग लेयर होगा, नीचे का लेयर होगा, नीचे का लेयर, इस प्रकार से होगा। आखिर वेपर में कन्वर्ट कौन वाला मॉलिक्यूल होता है, ये वाला जाकर के उड़ के सीधे चल जाएगा कि यहाँ वाला जाएगा कि यहाँ वाला जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई मॉलिक्यूल इसी से जब जो उड़ता है वेपर में, वो सबसे पहले कहाँ वाला जाता है, ऊपर वाला। अब देखो इसका प्रोसेस कैसे चलता है, यहाँ से हीट हम लोग किए, हीट किए तो हीट इन लोग एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा बॉन्ड इन लोग डिसोसिएट करेगा, तो उड़ेगा यहाँ वाला नहीं, कहाँ वाला उड़ेगा, ऊपर वाला। पहले जब तक इन लोग यहाँ पे उड़ेगा तो फिर इसका जगह में कौन घेर लेगा, ये वाला, मतलब ये जाएगा इसके जगह में, फिर ये कहां जाएगा, ऊपर, फिर ये जाएगा ऊपर, फिर ये कहां जाएगा, ऊपर, बात को समझ रहे हो। लेकिन कभी भी जब भी हम लोग वेपर में कन्वर्ट होगा वो कहां वाला लेयर जाएगा, ऊपर वाला, क्लियर है आता है। अब यहां पे देखो होगा क्या, सो सर हम लोग ये तो समझ में आ गया कि जैसे हीट वगैरह देंगे इन लोग कन्वर्ट होकर के कहाँ चल जाएगा, ऊपर। अब ऊपर हम लोग ग्लास को क्या है, ढके हुए हैं, क्या चीज किए हुए हैं, ढके हुए, मतलब क्लोज कंटेनर है। अब इन लोग उड़ के गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जमा हो जाएगा। अब जमा होगा तो इन लोग फिर से नीचे हम लोग को कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सर हम लोग तो प्रोसेस जान ही रहे हैं कि जब हम लोग लिक्विड से गए तो लिक्विड से फिर हम लोग को वेपराइजेशन हो करके हम लोग को किस में बदल गया, वो गैस में। अरे जान रहे कि नहीं जान रहे, जैसे सबसे पहले हम लोग देखे यहाँ पे था वाटर में, किस में था, वाटर, मतलब लिक्विड में था, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे बोल दो क्या चीज था, लिक्विड में, तो लिक्विड में था, अभी किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। ये हम लोग को क्या हुआ, इवेपोरेशन हम लोग को हुआ है, क्लियर है। उसके बाद जैसे ऊपर हम लोग को गया तो वहां जाएगा तो उसमें हम लोग को चिपक करके रहेगा, क्योंकि सर नीचे से जा रहा है तो ऊपर ही तो उड़ेगा, जब तक इसको खाली छोड़ेंगे नहीं तब तक ये ऊपर उड़ के जाएगा नहीं। तो यहाँ पे हीट कर रहा है सर, यहाँ पे जैसे वेपर बनेगा, जैसे हम लोग गैस में जाएगा तो वो ऊपर ही जाना चाहेगा, इसलिए वो लोग यहाँ पे जाकर के टक्कर होकर के अभी वहीं पे क्या रहेगा, बैठे हुए रहेगा। लेकिन जैसे होगा यहाँ पे धीरे धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर था, यहाँ पे जाएगा तो धीरे धीरे वो क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा, और जैसे ठंडा होगा तो फिर ये जो गैस था वो गैस से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो यहाँ पे जैसे गैस में था वो लोग जमा होने लगेगा, जमा होने के बाद फिर लिक्विड बनेगा और लिक्विड बन करके नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो जैसे हम लोग यहाँ पे हो रहा है कंडेंसेशन, तो एक चीज तो देख रहे हैं सर, एक कंटेनर में हम लोग दो कहानी हो रहा है, कहानी ये हो रहा है कि सबसे पहले जो लिक्विड का मॉलिक्यूल था वो कहाँ गया, वेपर में, फिर सर वेपर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो अब यहाँ पर देखो कहानी क्या होता है सो, अगर ये पानी का मॉलिक्यूल ऊपर गया वेपर में, ठीक है, अब वेपर बना तो फिर ये नीचे ड्रॉप होकर के गिरेगा,
गिरेगा कि नहीं गिरेगा, कहाँ पे गिरेगा? तो सर वो जो वाटर मॉलिक्यूल का जो सरफेस होगा उसी सरफेस पे गिरेगा कि ये वाला पानी यहाँ पे गिरेगा? गिरेगा तो ऊपर ही गिरेगा। अब देखो होता क्या है कि जब ये पानी का मॉलिक्यूल है वेपर बना, फिर वेपर से क्या बना, वाटर लिक्विड में बना, वाटर में बना। तो जैसे जब ये नीचे गिर रहा था तो गिरने के समय, अब तुम लोग ही समझो ना यार, ऊपर से अगर कोई ईंट लगा दे, मतलब कि ईंट रख देगा तो वहाँ पे क्या हम लोग को प्रेशर वगैरह नहीं लगेगा क्या? लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसी प्रकार से जब ये पानी फिर बन करके हम लोग नीचे गिरेगा तो गिरने के समय क्या इसमें हम लोग को फोर्स नहीं लगाएगा? लगाएगा। और जब हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री वगैरह ये सब का जब बात करते हैं तो हम लोग फोर्स ना बोल करके उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। क्या चीज बोलेंगे? प्रेशर। तो यहाँ पर एक तरह से बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे वेपर था, वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है। क्या चीज लगा रहा है? प्रेशर। तो यही जो प्रेशर होता है इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वेपर प्रेशर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? वेपर प्रेशर। अगर हम लोग वेपर प्रेशर को अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है, प्रेशर जो लगाया जा रहा है किसके द्वारा? वेपर के द्वारा। कहां पे? लिक्विड के सरफेस पे। वही लिक्विड के सरफेस पे जो वेपर का के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वही प्रेशर को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। फिर से सुनो, अगर हम लोग डिफाइन करना चाहे वेपर प्रेशर को, किसको डिफाइन करना चाहे? वेपर प्रेशर को। तो वेपर प्रेशर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि सर यहाँ पे प्रेशर लग रहा है? क्या चीज लग रहा है? प्रेशर। अब ये जो प्रेशर लग रहा है या फिर लगाया जा रहा है किसके द्वारा? तो सर प्रेशर लगाया जा रहा है वेपर के द्वारा। अरे पानी के द्वारा लगा रहा है का? पानी गया किसमें? वेपर में। फिर वेपर ना आ रहा है, नीचे गिर रहा है, तो वेपर के द्वारा हम लोग को क्या चीज लग रहा है? प्रेशर लग रहा है। तो हम लोग बोलेंगे प्रेशर लगाया जा रहा है किसके द्वारा? तो वेपर के द्वारा। तो वेपर के द्वारा तो कहां पे? तो हम लोग तुरंत बोलेंगे कि वाटर के कहां पे? सरफेस पे। तो हम लोग बोलेंगे कि लिक्विड के कहां लग रहा है हम लोग को? सरफेस पे। कहने का मतलब लिक्विड के सरफेस पे वेपर द्वारा लगाया गया प्रेशर को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? वेपर प्रेशर। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अगर एक भी मॉलिक्यूल ऊपर गया तो वो तुरंत हम लोग को नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो उसके द्वारा भी तो प्रेशर लगेगा, लेकिन वो सभी प्रेशर को वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। वेपर प्रेशर के लिए एक कंडीशन लगाया गया है। कंडीशन ये है कि जितना मॉलिक्यूल ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है उतना ही मॉलिक्यूल ऊपर से क्या होना चाहिए? नीचे जाना चाहिए। जब तक ये प्रोसेस दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, जैसे स्टार्टिंग में क्या होगा कि ये थोड़ा सा कम जाएगा ऊपर, लेकिन धीरे 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 जैसे हम लोग को हीट जाने लगेगा तो इसका जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगा? ज्यादा होने लगेगा, और फिर हम लोग को ऊपर ये क्या होने लगेगा? जमा होगा। तो जमा होने के बाद हम लोग नीचे भी गिरने लगेगा, तो कहीं ज्यादा बोलो ये उड़ने से ज्यादा कौन गिरने लगेगा? अरे ऊपर वाला नीचे हम लोग को गिरेगा। ये हम लोग को स्टार्टिंग के फेज में क्या होगा? धीरे धीरे गया होगा, लेकिन ये गिरना स्टार्ट हो जाएगा ज्यादा। लेकिन इसी तरह से क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग को टेम्परेचर यहाँ पे गेन होते जाएगा तो जिस प्रोसेस से ये हम लोग को नीचे गिर रहा है उसी प्रोसेस से क्या होगा, ये ऊपर भी जाएगा। तो ये जो कंडीशन था क्या होने का, तो यहाँ पे लिक्विड से गैस में जाने का और फिर गैस से कहाँ पे लिक्विड आने का, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। कहने का मतलब ये दोनों क्या गेन कर ले? इक्विलिब्रियम गेन कर ले। तो उस कंडीशन पे जो वेपर के द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा सरफेस में, लिक्विड के सरफेस में, वही प्रेशर को किस नाम से जानेंगे? वेपर प्रेशर के नाम से। बात को समझ रहे हो? तो इसका जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो सर इसका डिफाइन कैसे करेंगे? तो अब इसका थ्योरी वगैरह लिखाते जा रहे हैं, धीरे धीरे अब करते चले जाना, ठीक है? जैसे हम लोग इसको क्या बोलेंगे? द प्रेशर। क्या चीज बोलेंगे? द प्रेशर। देखो जैसे जैसे भी समझाएं, देखो लैंग्वेज में क्या होता है ना, बहुत लोग रट्टा मारता है। हम पहले ही बता दे रहे हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पे फोकस होकर के सारी बातों को समझेगा, किस तरह से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो तुम लोग को रटने के एकदम जरूरी नहीं पड़ेगा। और नहीं तो लास्ट में इसमें देखोगे तो बहुत सारा लैंग्वेज भर जाएगा, और बहुत सारा लैंग्वेज होगा तो लास्ट में रटना पड़ेगा। तो देखो अभी जैसे वेपर प्रेशर समझ में आ गया ना, प्रोसेस समझे कि सर सबसे पहले हम लोग को क्या चीज लग रहा था? प्रेशर। प्रेशर लग रहा था किसके द्वारा? वेपर के द्वारा। कहाँ पे लगाया जा रहा था? लिक्विड के सरफेस पे। तो उसी प्रेशर को क्या बोल रहे थे हम लोग? वेपर प्रेशर। सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे एट इक्विलिब्रियम। क्या चीज लगा देंगे? एट इक्विलिब्रियम। कि प्रेशर लगाया जा रहा है वेपर के द्वारा कहाँ पे? लिक्विड के सरफेस पे एट इक्विलिब्रियम। तो उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। देखो अब इंग्लिश में ज्यादा टेंशन थोड़ी है। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय, एग्जर्टेड बाई कहने मतलब, एग्जर्टेड का मतलब क्या होता है? लगाना। क्या चला होता है? लगाना। द प्रेशर एग्जर्टेड बाई किसके द्वारा? वेपर के द्वारा। ऑन द
ऑन द सरफेस लेवल लिख देते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड. अरे लिक्विड कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी पन्नी हम लोग लेंगे सर. तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर द लिख दे चला नहीं दो अपने से चलेगा उतना है कि नहीं. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय पढ़ा ही जा रहा है ना. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, कहां पे बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर. क्या बताओ कि बहुत ज्यादा टफ है क्या? देखो आधा से ज्यादा हम प्रयास यही करते हैं कि क्लास में ही सारा कुछ तुम लोग समझ जाओ और क्लास में ही बहुत ज्यादा चीज याद कर लो. अब जो यहाँ पे कंसंट्रेट होकर के नहीं सुनते भाई तो लास्ट में रटते रटोगे तब भूला जाओगे. लेकिन एक बार जब लॉजिक को समझ गए तो थोड़ा आराम लगा कि नहीं लगा? प्रोसेस भी समझ में आ गया कि वाटर रहेगा चाहे कुछ भी रहेगा उड़ेगा उड़ेगा फिर वहाँ पे कंडेंस होकर के फिर कहाँ जाएगा नीचे गिरेगा. तो जब नीचे गिरेगा तो वो प्रेशर लगाएगा, वही प्रेशर को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं वेपर प्रेशर. तो क्या क्या प्रोसेस हुआ सबसे पहले देखे सर, प्रेशर है सो लगाया जा रहा है किसके द्वारा वेपर के द्वारा, कहाँ पे लिक्विड के सरफेस पे कब इक्विलिब्रियम पे, उसी प्रेशर को क्या बोल रहे हैं हम लोग वेपर प्रेशर. क्लियर है यहाँ तक? एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद फिर कहानी बताएंगे. चलो इसका फोटो वगैरह लेगा तो थोड़ा सा फिगर भी बना ले, थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ वेपर प्रेशर को हम लोग शो भी कर रहे हैं, थोड़ा खूबसूरत लगेगा अच्छा लगेगा. हालांकि उतना अच्छा हम आर्टिस्ट तो है नहीं लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा सुंदर लगे देखने में. अच्छा ये सब क्या है? अंडा नहीं है, वाटर का मॉलिक्यूल है. ठीक है, अब यही चीज हम लोग को क्या हो रहा है ऊपर जा रहा है तो ऊपर भी तो इसका क्या होगा मॉलिक्यूल होगा. केक था 1 2 3 4 5 6 7 अरे सभी का सभी लिक्विड ना मॉलिक्यूल जाएगा. एक बार उड़ेगा तो ये पूरे लेयर उड़ेगा तो उतना ही हम लोग को क्या बनेगा वेपर. अब ये जो प्रोसेस हो रहा है ऊपर से नीचे ये हम लोग को क्या हो रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन. ये हम लोग को साइन बता रहा है कि ये ऊपर से कहाँ जा रहा होगा नीचे से कहाँ जा रहा होगा ऊपर, फिर ऊपर से कहाँ जा रहा होगा नीचे. अब ये जो है ये हम लोग को क्या है वेपर, ये हम लोग को क्या है वेपर, थोड़ा सा बता भी तो देना पड़ेगा ना. उसके बाद ये हम लोग को क्या है लिक्विड है, ये हम लोग को क्या है लिक्विड. कि लिक्विड था लिक्विड हम लोग को कहां गया वेपर में, तो वेपर जाने के बाद फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में. ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जब लिक्विड से ऊपर जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इवेपोरेशन, और फिर जब वहां से नीचे आता है जब कंडेंस होता है तो उसको क्या बोलते हैं कंडेंसेशन. क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा मोमबत्ती वगैरह भी छापना चाहो तो थोड़ा छाप लेना, हमारा तो उतना अच्छा बर्नर वगैरह बनाने आता नहीं लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर रहे हैं. पता ना सही से हम बना भी पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे. लग रहा है बर्नर जैसा, जाने दो ना समझ जाना. ठीक है क्या चीज? अच्छा ऐसे लिख देते हैं हाँ इसको प्रोसेस को इधर ही, इधर रहेगा लिक्विड और इधर हम लिख देते हैं गैस या फिर वेपर. अब यहाँ से ऐसे जा रहा है और फिर वहां से क्या हो रहा है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. तो जब लिक्विड से कन्वर्ट होता है क्या चीज वेपर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इवेपोरेशन. और जब वेपर से कहाँ कन्वर्ट होता है लिक्विड में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कंडेंसेशन. इस सैम्बल का मतलब समझ जाते हो ना कि इक्विलिब्रियम का ही कहानी बोल रहा है. चलो अब पूरा अच्छा से हम लोग को बन चुका है डायग्राम, अब इसको फोटो क्लिक कर लो. अब देखो सवाल पूछते हैं ठीक,
छोड़ो उसको, वेपर प्रेशर में नहीं है उसको, कब बोलेंगे जानता है, जब बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाएंगे ना उस समय उसका जवाब पूछेंगे। अभी फिलहाल देखो दो गो डायग्राम हम लिख बनाने जा रहे हैं, यहाँ से समझना, इसी से फिर पूरा पॉइंट हम लोग को समझ में आ जाएगा लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक दो तीन चार पाँच छ सात, एक दो तीन चार पाँच छ अरे छोटा है तो क्या हम लोग मान लेते हैं ना, क्या है उतना ही। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये पूरा प्योर लिक्विड बोल लो या फिर प्योर सॉल्वेंट मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम कुछ कुछ मिक्स कर देते हैं, यहाँ पर हम सॉल्यूट ले लेते हैं और प्लस यहाँ पर ले लेते हैं क्या चीज, सॉल्वेंट। अच्छा इसमें सिर्फ प्योर सॉल्वेंट क्यों बोले, प्योर सॉल्वेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे और भी कुछ मिक्स कर नहीं रहे हैं और यहाँ पर क्या हम लोग को सॉल्यूट इसमें मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो कहानी है, दो कहानी ये है कि दो चीज़ हम लोग को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक होता है वोलाटाइल, एक क्या होता है वोलाटाइल, और एक होता है हम लोग को नॉन वोलाटाइल। अब देखो ये दोनों का मतलब समझना है, कभी भी वोलाटाइल का मतलब आ गया तो जो भी चीज उड़ने वाला रहता है उसको बोलते हैं वोलाटाइल, उड़ने वाला को क्या बोलते हैं वोलाटाइल, और नॉन वोलाटाइल का नहीं मतलब जो उड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे हिंदी में ही लिख देते हैं ताकि आगे चल करके समझ में आ सके, अरे वही चीज ना है कि जो वेपर में कन्वर्ट होगा वो क्या होता है वोलाटाइल होता है, और जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे नॉन वोलाटाइल। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल दें वोलाटाइल में, क्या बोल दें जिसका वेपर बनता हो या फिर जो वेपर में कन्वर्ट होता हो, चलो समझ जाएगा तुम लोग, जिसका वेपर बनता हो, समझ जाओगे ना, वेपर कब बनेगा जब वो लोग उड़ेगा, अरे तभी ना होगा। और ये जो हम लोग को क्या होगा जिसका वेपर नहीं बनता हो, यही दो गो वर्ड का हम लोग पूरा यूज करने वाले हैं, वोलाटाइल और किसका नॉन वोलाटाइल का। अच्छा मान के चलो जैसे पढ़ना नहीं रहेगा उसको कहाँ पढ़ाएंगे जबरदस्ती सुबह, तो यूज है तब तो आगे पढ़ा रहे हैं। अब देखो वोलाटाइल का मतलब तो समझ में आ गया, अब यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि वोलाटाइल किसको बोलेंगे। अरे नॉर्मली देखो कोई भी लिक्विड ही सब रहता है, उन लोग तो उड़ने का नेचर का ही रहता है, लेकिन अगर मान के चलो हम यहाँ पे नमक मिला दें, क्या हम मिला दें नमक, क्या नमक उड़ेगा। घर में जाकर आज तुम लोग प्रैक्टिकल करना, ठीक है, कढ़ाई वढ़ाई ले लेना या फिर कोई भी बर्तन ले लेना, उसको आग में चढ़ा देना गैस वगैरह में, ठीक है, और उसमें देखना कि जितना तुम नमक वहाँ पे ऐड करोगे, किसको ऐड करोगे नमक को, और जितना तुम पानी को वहाँ पे ऐड करोगे एकदम आज जाकर के पूरा सुखा ही देना उसको। जैसे मान के चलो यहाँ पे 100 ml ऐड किए हो चाहे 200 ml ऐड किए हो, जो भी करोगे पानी और नमक को करोगे तो दोनों तो घुल तो जाएगा, घुल जाने के बाद उसको हीट करना स्टार्ट करना, हीट करना स्टार्ट करोगे तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा, धीरे 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 पता चलेगा यहाँ पे सारा पानी कहाँ चले गया ऊपर, यहाँ पे जाकर के देखोगे कौन दिखेगा सिर्फ नमक। अच्छा नमक वह दिख कैसे गया, इसका मतलब जरूर है कि नमक वह उड़ नहीं पा रहा होगा, नहीं उड़ पाता है इसलिए क्योंकि नमक कैसा नेचर का होता है नॉन वोलाटाइल का। उसी प्रकार से इसमें हम यूरियो डाल देंगे फिर भी वो उड़ने वाला नहीं है क्योंकि वो भी कैसा रहता है नॉन वोलाटाइल। ग्लूकोज भी डाल देंगे तब भी वो उड़ेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वो भी कैसा रहता है नॉन वोलाटाइल। तो क्या दोनों वर्ड का मतलब समझ गए। अब मान के चलो इसमें दो चीज कर लेते हैं कि जैसे अभी भी सॉल्यूशन बनाने गए उसमें सॉल्यूट है और क्या है सॉल्वेंट, सॉल्यूट में मान के चलो यहाँ पे ऐड करने गए नींबू पानी,
मतलब अरे नींबू डाल दिए और फिर क्या चीज डाल दिए, पानी। अब बताओ इसको हम घुल करके और फिर इसको हीट करने गए, अब हीट करने गए पूरा यहाँ पे सौखा देंगे, पूरा एकदम खत्म कर देंगे, अब वहाँ देखने जाएंगे, बताओ क्या क्या बचेगा, कुछ दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। अब ये नहीं बोलना कि सर उसमें धनवा गिरेगा, धनवा रहे, अरे सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ पनिए ना बात करेंगे, तो वहाँ पे ना नींबू का पानी दिखेगा और ना ही क्या दिखेगा, पानी। क्यों? क्योंकि सर जो नींबू वाला जो रस था वो भी कैसा था, वोलेटाइल, और जो पानी था वो भी कैसा नेचर का था, वोलेटाइल। इसलिए जो भी चीज वोलेटाइल नेचर का रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, और वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसको जब तक रोक के नहीं रखोगे वो रुकेगा क्या, वो तो सीधा चल गया हम लोग को वातावरण में। तो इसलिए अगर मान के चलो यहाँ पे पूरा प्योर सॉल्वेंट है, क्या है, प्योर सॉल्वेंट, और जो सॉल्वेंट है वो कैसा नेचर का है, वोलेटाइल, कैसा है, वोलेटाइल। और यहाँ पर हम लोग को सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी। तो अगर मान के चलो सॉल्वेंट जो है ये हम लोग को वोलेटाइल है, ये हम लोग को क्या है, वोलेटाइल, और ये जो सॉल्यूट है इसको हम मान के चलते हैं नॉन वोलेटाइल, क्या लेके चलते हैं, नॉन वोलेटाइल। अब देखो होता क्या है, सो प्रोसेस को समझना, ठीक है। आधा एकदम ये जो टॉपिक दिख रहा है ना आधा पोर्शन आज खत्म। यहाँ पे अगर वोलेटाइल हम लोग लेते हैं, जो भी लेना है, अगर वो सॉल्यूट भी है चाहे सॉल्वेंट भी है, जो भी रहेगा अगर वोलेटाइल रहेगा तो वहाँ पे जो भी ऊपरी परत रहेगा वो सभी का सभी किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। इसका मतलब सर यहाँ पे जब हम लोग ऑब्जर्व करके देखेंगे तो जितना भी वहाँ पे मॉलिक्यूल था नीचे कितना था, 7 गो, अभी कितना बन गया यहाँ पे, 7 के हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गो। बात को समझ गए। उसी प्रकार से जब हम लोग सॉल्यूशन बना दे, मतलब सॉल्यूट भी ऐड करें और क्या बना दे, सॉल्वेंट, और अगर यदि मान के चलो हमारे पास नॉन वोलेटाइल नेचर का क्या है, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट कैसे है हम लोग को, वोलेटाइल। अब तुम लोग बताओ इसमें कौन उड़ेगा, कैसे उड़ेगा। अच्छा एक चीज तो समझ जा रहे हैं कि सर जब हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है क्या सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का रहेगा क्या, नहीं, यहाँ पे नमक मिला रहे तो नमक वो तो रहेगा। इसका मतलब सर इस प्रकार का जो मॉलिक्यूल आप दिखा रहे हैं ऐसा नहीं कि सभी सभी यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। यहाँ पे कौन हो गया सर, बस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को पूरा पूरी सिर्फ सॉल्वेंट है क्या, यहाँ पे तो मिक्स क्या हम लोग को, सॉल्यूट भी, और जो सॉल्यूट है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल। इसका मतलब सर और हम लोग दो चीज यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम सिर्फ ऐसा दिखा दे गोल से, इसको समझ जाना क्या है, वोलेटाइल, और अगर मान के चलो यहाँ पे इसी तरह गोल दिखा करके इसमें अगर कलर कर दे तो ये वाला कैसा नेचर का दिखा देना, नॉन वोलेटाइल। तो अगर मान के चलो ये जो सॉल्यूशन हम लोग बनाए इसमें सॉल्यूट भी होगा, क्या होगा, सॉल्वेंट भी। इसका मतलब सर अगर ऊपर वाला भी परत बोलेंगे यहाँ पे पानी भी होगा नमक भी होगा। इसका मतलब सर यहाँ पे अगर एक वाटर का मोलिक्यूल होगा ना तो एक कौन होगा, ये कौन होगा सर, साल्ट भी होगा यहाँ पे सर, नमक भी होगा, मतलब सॉल्यूट भी होगा। अब मान के चलो यहाँ वाला कंटेनर और यहाँ वाला कंटेनर दोनों सेम था, क्या था, सेम, जितना यहाँ पे पानी लिए थे उतना ही पानी यहाँ पर भी लिए थे। यहाँ पर जब वेपर बना रहा था वो वेपर कितना मॉलिक्यूल मिल करके बना रहा था, 7 गो। अब बताओ यहाँ पर जो वेपर बनेगा वो वही बनेगा सर जो पहला वाला लेयर जाएगा, अरे यही ना जाएगा, देखो अभी ऊपर रंग है उसी तरह से नीचे भी रंगा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सर अगर यदि यहाँ पर हम वेपर को काउंट करेंगे, बताओ कितना वेपर यहाँ पे बनेगा, कितना मॉलिक्यूल का, 4 मॉलिक्यूल का सर, यहाँ पे तो हम लोग को 4 ही आएगा। क्यों, क्या ये लोग उड़ पाएगा का, लेकिन उड़ नहीं पाएगा तो ये लोग यहीं पर रहेगा, अरे रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि सर हम लोग जान रहे हैं सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी रहेगा क्या रहेगा, सॉल्वेंट भी, तो इन लोग का अपना स्थान छोड़ेगा का, नहीं। तो सर ई वाला जो लेयर है यहाँ पे हम लोग अगर 3 गो सॉल्यूट है तो कितना सॉल्वेंट है, 4 गो, लेकिन टोटल मॉलिक्यूल कितना है, 7 गो, जैसे कि यहाँ पर कितना था, 7 गो, लेकिन इस कंडीशन पे जब प्योर सॉल्वेंट था तो यहाँ पे पूरा पूरी कितना जा रहा था, 7 का 7 कन्वर्ट हो जा रहा था। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा बताओ, प्रेशर ज्यादा लगेगा, अगर यहाँ पर अगर प्रेशर को देखेंगे तो बताओ प्रेशर कहाँ ज्यादा और कहाँ कम लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा और इसमें कितना लगेगा, कम। क्यों, क्योंकि सर इसमें 7 गो गिर रहा है और इसमें कितना गिरेगा, 4 गो, तो 4 गो गिरेगा कम ही वजन लगेगा और 7 गो गिरेगा तो ज्यादा वजन लगेगा। इसलिए अगर हम लोग प्रेशर की बात करें कि इस कंटेनर में जो प्रेशर होगा, जो लग रहा होगा वेपर प्रेशर, और इस कंटेनर में जो वेपर प्रेशर लग रहा होगा, अगर इसको मान के चलो P1 बोले और इसको अगर P2 बोले, बताओ वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, P1 का। इसका मतलब सर यहाँ पर P1 ग्रेटर होगा किससे, P2 से।
तो यहाँ पे सिर्फ अभी ये कंडीशन समझा रहे थे कि देखो हम लोग को वेपर प्रेशर में किस तरह से यहाँ पे काम चलेगा। जैसे हम लोग मिक्सर करते हैं, हम लोग क्या चीज़ सॉल्यूशन बनाते हैं, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल सभी चीज़ का रहेगा, सॉल्यूट का भी रहेगा और किसका रहेगा, सॉल्वेंट का। अगर सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट में किसी एक चीज़ का अगर नेचर कैसा रहे, नॉन वोलेटाइल, तो वो कभी भी जीवन में उड़ नहीं सकता है। तो नहीं उड़ेगा तो जो सिर्फ उड़ने लायक होगा उसी के द्वारा क्या बनेगा, वेपर बनेगा। बात समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे समझे सिर्फ ये डायग्राम से कि वेपर प्रेशर आखिर कैसे कैसे बन रहा है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से बात करेंगे किसका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज का कंसेप्ट में समझ में ये आया कि वेपर प्रेशर आखिर होता क्या है और ये आखिर प्रोसेस हो कैसे रहा है। बात समझ में आ गया? उसके बाद तुरंत हम लोग को देखेंगे कि जैसे जब सॉल्यूशन बनाते थे इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, आखिर पनिया वही है जितना यहाँ पे हम लोग डाले हैं, तो यहाँ पर जो प्रेशर बन रहा है वो किसके द्वारा लग रहा है, पानी के द्वारा। यहाँ पर भी जो प्रेशर लग रहा है वो किसके द्वारा लग रहा है, पानी के ही द्वारा। लेकिन देख रहे हैं सर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे क्या है, कम हो जा रहा है। तो जैसे प्योर में रहता है उसको सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाने के बाद उसका वेपर प्रेशर में क्या हो जाता है, गिरावट हो जाता है। इसलिए उसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर में क्या हो जाना, गिरावट हो जाता, कमी हो जाना। बात समझ में आया? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसको भी फोटो क्लिक कर लो।